आप लोग जैसे कि जानते हैं कि मतलब जो किरदार था एमसी शेर का वो इतना हावी हो गया था कि सब लोग अब वही एमसी शेर मुझे लगा था जिस तरह से मैंने लाइनअप किया था कि कुछ 6-7 महीने में मल्टीपल भी आ जाए कि लोग अलग अलग किरदार में देख लेंगे अलग अलग एक्सेंट्स में देख लेंगे। मैं ऐसे ही बात नहीं करता है मतलब कि मतलब मैं नॉर्मल जो जहाँ से हूँ मैं यूपी से हूँ बॉम्बे में पला बड़ा हूँ जिंदगी देखी है मैंने अलग अलग किरदार देखे हैं जिंदगी में तो मुझे मैं बड़ा ही एक्साइटेड था कि मैं कुछ लोगों को ऐसा दूंगा कि लोग बोलेंगे अरे यार ये तो ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है। लेकिन वही है कि 2 साल काफ़ी बीत गए लेकिन आई थिंक जो आ रहा है देर आ रहे हैं दुरुस्त आ रहे हैं एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस जो है जाएंगे हंसेंगे मज़ा आएगा और कुछ एक हंसी लेके जाएंगे क्योंकि इस समय आई थिंक जिस तरह का माहौल चल रहा था पिछले दो सालों से काफ़ी इंटेंस था। लोग अपने घर में बैठे हुए हैं टीवी पे चीज़ें देख रहे हैं ओटीटी पे देख रहे हैं काफ़ी नया टैलेंट भी आया है उस वजह से जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हूँ बिकॉज मैं भी वहीं से आता हूँ ओटीटी से आता हूँ और बहुत ये भी एक अच्छी बात है कि नए नए लोग हैं उभर के। लेकिन सर जो मैजिक है ना जादू वो बड़े बात है वो कुछ और ही है और जब आप लोग जाएंगे यशराज की फिल्म है क्या बोलूँ आप लोगों को लोग आ जास अपना बंटी बबली बबलू सबके लेके आ जास अपना मम्मी पापा सबके कहे की पारिवारिक फिल्म भोजपुरी में कहा बोलते नहीं हमारा नहीं क्या पता बट जगह समझेगा वो समझो और जिन लोगों ने समझ आ गई भोजपुरी उनके लिए ये मेरी तरफ से ये है कि आइए थोड़ा हंसिए थोड़ा मिलते हैं खुशियां मनाते हैं थोड़ा डांस करते हैं थोड़ा लव और लव जू के कहते हैं लोग और यस प्लीज कम एंड वॉच दिस फिल्म हमारे लिए बहुत बड़ी बात इसकी पहली फिल्म है मराठी मुलगी तो और सैलानी और सैर सर के बारे में हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं दो इतने साल बाद आ रहे हैं वो लोग हम खुद एज फैन यू नो हम देख रहे हैं उनको कि यार रानी मैम सैर सर तो ये काफी मतलब मजा आने वाला है यार और क्या बोलूं मैं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।